और बढ़ते आगे खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर आज एक बड़ी घटना होने से टल गई। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रही सड़क पर आज एक 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। लगातार बारिश हो रही है, इसी के चलते काफी जगहों पर बड़े हादसे भी हो रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास में अचानक 10 फीट सड़क धंस गई और इस हादसे के बाद रास्ते को डायवर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा था और जिस वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि सड़क धंसने के समय उस रास्ते से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरें आप देख सकती हैं, राजधानी लखनऊ की तस्वीरें, राजधानी लखनऊ के लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास की तस्वीरें। शहर के बीचों बीच ये हादसा हुआ है, करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया इस सड़क के बीचों बीच। राजधानी लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के ठीक सामने की सड़क पर अब से थोड़ी ही देर पहले एक गहरा गड्ढा हो गया है। ये तस्वीर देखिए, कई फीट गहरा गड्ढा है ये। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दो दिनों से राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि अब इस सड़क को भरने का काम किया जा रहा है, इस होल को भरने का काम किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये अलीगंज से हनुमान सेतु यानी कि हजरतगंज की तरफ जाने के लिए मुख्य सड़क है और दिन के वक्त यहाँ पर काफ़ी हेवी ट्रैफिक होता है। हालांकि सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, दूसरी तरफ कर दिया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि जहाँ पर ये होल हुआ है यानी कि जहाँ पर मिट्टी धंसी है, वहाँ पर नीचे बताया जा रहा है कि एक सीवर लाइन है और बारिश की वजह से जो नीचे की मिट्टी है वो काफ़ी बह गई और मिट्टी बहने की वजह से अचानक से सड़क धंस गई। हालांकि इसकी सूचना जब प्रशासन को दी गई तो यहाँ पर जो नगर निगम के कर्मी हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं और जो पानी यहाँ पर जमा है इस होल में, इस गड्ढे में, उस पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। जो मिट्टी है, मिट्टी को चूंकि देखा जाए तो जब तक पानी नहीं निकाला जाएगा तब तक मिट्टी भरना संभव नहीं है, तो वैसे में पहले पानी निकाला जाएगा और उसके बाद इस गड्ढे को भरने का काम किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये मुख्य सड़क है और आम तौर पर चूंकि यही रास्ता है हनुमान सेतु से अलीगंज जाने का, तो प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस गड्ढे को भरा जाए ताकि जो आवागमन है उसे सुचारू रूप से एक बार फिर से व्यवस्थित किया जा सके। विनोद विधान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जहां पर श्मशान घाट नहीं होने से लोग परेशान, लोगों को अंतिम संस्कार करने में